एजुकेशन एकेडमी के नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग एग्जाम 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जिसको स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो इस एग्जाम का नाम टेक्निकल एजुकेशन है, लेकिन इसमें केवल टेक्निकल ही नहीं बल्कि नॉन टेक्निकल क्षेत्र के भी पदों को सम्मिलित किया गया है। और ऐसे पदों की संख्या 215 इसमें सम्मिलित की गई, जो कि सामान्यतः लेक्चरर के लिए जो है निकाले जाने वाले पदों से कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा बनता है। तो इस तरीके से इसमें जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही जो है क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। अभी हम पदों का विवरण दिखाते हैं जिसमें ये चीज़ें पता चलेंगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें लेक्चरर की जो बात कही गई है वो PGT इत्यादि के द्वारा निकाले गए जो है प्रवक्ता परीक्षा के समान ही नहीं है, बल्कि इसका वेतन मान जो है उससे ये स्पष्ट होता है कि इस पद की क्या महत्ता है। तो इससे यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यहां पर PCS के समकक्ष जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा PCS परीक्षा के द्वारा पद भरे जाते हैं उनके समतुल्य ही वेतन देने की बात कही गई है, जो कि अगर देखा जाए तो प्रदेश में जो है राजकीय विद्यालयों में डिग्री कॉलेजों के जो है स्तर का जो है वेतन इन्हें प्राप्त होता है। तो यहां इनका जो मैट्रिक्स लेवल है वो दो प्रकार के पदों के लिए, एक तो यहां पर प्रिंसिपल का पोस्ट निकाला गया है जो कि मैट्रिक्स लेवल जो है 13 का में है, और इनका जो इनिशियल पे है 1,31,000 के जो है समतुल्य बनता है। और जब आप इसे जो है महंगाई भत्ता और होम रेंट अलाउंसेस के साथ जोड़ करके देखेंगे तो ये लगभग जो है 1,80,000 के आसपास जो है वेतन बनेगा। और इसी तरीके से जो आपके लेक्चरर के रूप में जो है रखा गया है वह 9 का 10 इस तरीके के जो पदों में रखा गया है, जिसका जो न्यूनतम वेतन जो है वो 56,100 रुपये है। आपके मैट्रिक्स लेवल में यह वेतन जो है आपके 17वें वेतन मान के अंतर्गत जो है मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो PCS कैडर के विभिन्न प्रकार के जो ऐसे SDM और DPSP इत्यादि के जो पदों की भर्ती होती है उनका भी जो इनिशियल वेतन आपके 56,100 रुपये होता है। तो इस तरीके से वेतन मान के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि यह पद और इसके अंतर्गत भरे जाने वाले लेक्चरर इत्यादि पदों का जो स्तर है वो PGT के द्वारा जो भरे जाने वाले लेक्चरर से जो है डिफरेंट है और बहुत ही उच्च स्तर का है। तो इस आधार पर यह जो परीक्षा है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि इसमें जो है केवल टेक्निकल ही नहीं बल्कि इसमें जो है नॉन टेक्निकल पदों को भी जो है भरा जा रहा है। और नॉन टेक्निकल पदों के अंतर्गत जो है आपके जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इसी तरीके से जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो ये सारे जो है सब्जेक्ट भी इसमें आ रहे हैं। यद्यपि साइंस के जो विषय ये होते हैं लेकिन टेक्निकल से तात्पर्य जो वहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE की डिग्री होती है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी तरीके से अलग अलग जो है विषय होते हैं जिसके लिए लेक्चरर के पद भी निकाले गए हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार के जो है पदों की भर्ती इसमें की जा रही है। तो ये दो महत्वपूर्ण जो है चीजें थी जो सामान्यतः लोगों को कंफ्यूज करती थी, तो इस आधार पर इन दोनों को समझ लेना आवश्यक है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी इत्यादि है वो टेक्निकल एरिया के लिए टेक्निकल क्षेत्र से और नॉन टेक्निकल एरिया के लिए नॉन टेक्निकल क्षेत्र से है। इसके लिए जो आवेदन की तिथि है वो 15 से जो है प्रारंभ हो चुकी है और ये जो है अक्टूबर तक जो है चलती रहेगी। इसमें 4 प्रकार के जो पदों के लिए जो है भर्ती हो रही है, एक तो प्रिंसिपल है, दूसरे जो है लेक्चरर और तीसरे जो है वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट और चौथा जो है लाइब्रेरियन। तो प्रिंसिपल के लिए जो है इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ जो है वो प्लस जो है 10 वर्ष के जो है अनुभव की भी बात कही गई है। इसी तरीके से लेक्चरर के लिए जो है, अब इसमें 2 प्रकार के लेक्चरर हैं, टेक्निकल के लिए जो है BE की डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए और इनके लिए जो है नॉन टेक्निकल एरिया के लिए जो है आपके PG होना चाहिए प्लस नेट की डिग्री होना आवश्यक है, जो कि यह डिग्री जो है डिग्री कॉलेजेस
में मांगे जाते हैं डिग्री कॉलेजेस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगा जाता है, इसीलिए इनका वेतन भी जो है उसी के समतुल्य यहाँ पर रखा गया, जिससे भी ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है। और इनके लिए जो पदों की व्यवस्था की गई है, इसमें 13 पद रखे गए हैं और यहां पर जो है वो 1253 पोस्ट हैं लेक्चरर के लिए, यहाँ पे जो है 16 पोस्ट है और ये जो है 87 पोस्ट है। टोटल जो है आपके पदों की संख्या जो है 1370 पदों पर इसकी जो भर्ती के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। अब इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एरिया में अगर देखा जाए तो 1049 जो है सीटें आपके 1049 सीटें आपके जो है टेक्निकल एरिया से हैं, बाकी जो है नॉन टेक्निकल एरिया से जो है आते हैं, नॉन टेक्निकल एरिया से जो बाकी सीटें बची हुई और नॉन टेक्निकल एरिया से जैसा कि जो मैंने सब्जेक्ट का बताया उन सब्जेक्ट से भरे जाएंगे जिसके लिए जो है डिग्री पीजी और नेट की जो आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से ये पदों का जो है विवरण है। इनके लिए जो शुल्क की व्यवस्था है वो जो है ₹225, ₹105 और ₹25, यानी कि जनरल और वो अनारक्षित और ओबीसी के लिए 125 है, एससी और एसटी के लिए 105 और इसी तरीके से जो है फिजिकली चैलेंज्ड या फिजिकली जो है दिव्यांग जिनके अंतर्गत जो है आते हैं उनके लिए जो ₹25 का शुल्क मात्र जो है रखा हुआ है। तो ये जो व्यवस्था थी वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है आयोजित और निकाले गए जो है भर्ती, जो कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग एग्जाम 2021 के नाम से जाना जा रहा है, उसके अंतर्गत जो है सम्मिलित लेक्चरर और प्रिंसिपल तथा अन्य पदों के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी थी। इसमें बाकायदा रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को आप ये बुलाया जाएगा जो है साक्षात्कार के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री में जो है 55% का भी जो है होना आवश्यक है, एक और भी क्राइटेरिया इसमें जो है लगाया गया है जो कि सामान्यतः जो है लोगों का होता ही है, लेकिन जिनके पास नहीं उनके लिए जो है समस्या का विषय बन सकता है। आप डिटेल में जा करके जो है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, लेकिन बेसिक जानकारी कुल मिला करके ये और दो महत्वपूर्ण धारणाएँ जो कि पदों के नेचर को लेकर के था और यहाँ पर जो है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एरिया से हैं, और दूसरा इसमें पदों के जो स्तर को लेकर के था जो कि इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो ये जानकारी थी जो है लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के जो है संदर्भ में। तो इस लेक्चर के बाद जो है आपको यहाँ से जो भी सवाल बन सकते थे आपके मन में वो क्लियर हो गई होंगी। तो यह एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपनी जो है तैयारी को एक सही दिशा में लगा दीजिए ताकि एग्जाम की डेट आने के बाद जो है आप तत्काल जो है उस एग्जाम के लिए जो है अपने आप को तैयार कर सकें, चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें और अंतिम रूप से जो है आप चयनितों की श्रेणी में शामिल हो सकें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए नोटिफिकेशन एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।